नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। उत्तर भारत के बाद बीजेपी अब दक्षिण भारत में अपनी जमीन तैयार कर रही है। इसी सिलसिले में कुछ समय पहले बीजेपी ने हैदराबाद के चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में टीआरएस भले ही 55 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही हुआ। पिछली बार 4 सीटें जीतने वाली भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। वहीं 2016 चुनाव में टीआरएस ने 99 सीटें जीती थी, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली थी। इस चुनाव के रोमांच लोकसभा चुनाव से कम नहीं था। भाजपा के दिग्गज नेता प्रचार करने यहां पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में भाजपा ने उनकी पार्टी एआईएमआईएम को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। कर्नाटक के बाद दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना में जमीन मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। इसके चलते निगम के चुनाव में भी लोकसभा चुनाव से कम रोमांच नहीं था। भाजपा ने हैदराबाद चुनाव को किस गंभीरता से लिया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज यहां प्रचार करने पहुंचे थे। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी संभावना मजबूत करने के लक्ष्य से जीएचएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ऐसा किया था। भाजपा दिग्गजों के प्रचार में उतरने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर से लेकर ओवैसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इस चुनाव में कामयाबी से बीजेपी के लिए दक्षिण में जमीन और मजबूत होने के आसार हैं। ये चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि नगर निगम हैदराबाद, रंगारेड्डी और संगारेड्डी सहित 4 जिलों में फैला हुआ है। इसमें 24 विधानसभा और तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें भी आती हैं। चुनाव परिणाम में भाजपा टीआरएस की मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरी। हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस अपने प्रतिद्वंदियों से अब भी आगे है और भगवा पार्टी को अच्छी खासी संख्या में मिली सीटों से अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। 2016 के जीएचएमसी चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन कर 4 सीटें हासिल करने के बाद इस बार अपने बूते ही इसने 10 गुना की छलांग लगाई है। तेलंगाना के बाद अब बीजेपी की नजर आंध्र प्रदेश पर है और आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ के मामले सामने आए हैं, उससे हिंदुत्व यहां पर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है जिससे बीजेपी पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। इसी मसले पर अब विपक्षी पार्टियों के द्वारा राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। बीजेपी नेता शोभा करांडलजे ने ट्वीट करके आंध्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता ने अपने ट्वीट में लिखा कि आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन जगन रेड्डी की सरकार गुंडों को गिरफ्तार करने की बजाय उन लोगों पर एक्शन ले रही है जो मंदिर के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। शोभा करांडलजे ने लिखा कि आंध्र सरकार हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र में मंदिर को तोड़ा जा रहा है और इनको लेकर विरोध करने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के प्रसिद्ध राम तीर्थम पहाड़ी मंदिर में 28 दिसंबर की रात भगवान राम की 400 साल पुरानी प्रतिमा को किसी अज्ञात द्वारा तोड़ दिया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी मंदिर में तोड़फोड़ की बात सामने आई है। भाजपा के स्टेट इंचार्ज सुनील देवधर ने कहा था कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 400 साल पुरानी भगवान राम की मूर्ति को तोड़ना भयावह घटना है। आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हो रहे लगातार हमले 16वीं सदी के गोवा में क्रूर सेंट जेवियर के हमलों की याद दिलाते हैं, जिसने मंदिरों को ढहा दिया था, जिसने जबरदस्ती धर्मांतरण करवाए थे। उन्होंने कहा कि आंध्र में हिंदू मंदिरों पर हो रहे लगातार हमले तालिबान द्वारा बामियान में तोड़ी गई बुद्ध प्रतिमा की याद दिला रहे हैं। अधिकारियों ने अब तक उत्तराखंड अयोध्या मंदिर पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। मंदिर के हमलों के मामले में जगन मोहन रेड्डी की सरकार मौन समर्थन दिखाती है। इस मसले पर जनसेना प्रमुख और सिनेमा से राजनीति में आए पवन कल्याण ने कहा कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है तो यहाँ भगवान राम की प्रतिमा को सताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में राम मंदिर पर किया गया हमला एकदम उस हमले की तरह है जिस तरह से 16वीं सदी में सेंट जेवियर गोवा में मंदिरों पर हमला किया करता था।
इस घटना के बाद पूरे विपक्ष ने जगन मोहन रेड्डी सरकार को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा, उन्होंने ऐतिहासिक मंदिर में पैशाचिक हरकत करने का काम किया है, क्योंकि राज्य सरकार ने पीथमपुर, कोंडा बिटरगुंटा और अंठेर वेदी की घटनाओं पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अंतरावेदी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के रथ को जलाने के आरोपी लोगों का अब तक पता नहीं चला है और ना ही अभी तक किसी को भी गिरफ्तार किया गया है। हिंदू भगवानों और मंदिरों की मूर्तियों पर होने वाले इन हमलों को क्या माना जाना चाहिए? ये काम किसी के पागलपन में नहीं किए गए, बल्कि ये हरकतें धार्मिक संतुलन खो चुके लोगों की है। इस मसले पर आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है, सरकार द्वारा नई योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। उससे पहले विपक्ष इस तरह की साजिश रच आंध्र सरकार पुलिस को बदनाम करने में जुटा है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी आरोप लगाया था कि आंध्र सरकार में मंदिरों में बदहाली बढ़ी है और सुरक्षा का खतरा बरकरार है। आंध्र प्रदेश में मंदिरों में मूर्तियों को अपवित्र करने की घटना से राज्य में राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। विपक्षी दल जगन मोहन रेड्डी सरकार को इन हमलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साध रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ वायरस कांग्रेस के नेताओं ने तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू पर सरकार के खिलाफ द्वेष फैलाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। इसके अलावा गोदावरी जिले के राजमहेंद्रवरम में एक मंदिर में सुब्रमण्येश्वर स्वामी की मूर्ति के हाथ और पैर टूटे हुए पाए गए। इन दो घटनाओं से राज्य में विवाद पैदा हो गया और विपक्षी दलों ने मंदिरों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया। विपक्ष के कुछ नेताओं ने दावा किया कि रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य के विभिन्न मंदिरों में तोड़फोड़ और मूर्तियों को खंडित करने की 125 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। चंद्रबाबू ने हाल ही में रामतीर्थम का दौरा किया और सरकार से मंदिर में तोड़फोड़ की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया। सत्तारूढ़ दल के राज्यसभा के सदस्य वी विजय साई रेड्डी ने भी मंदिर का दौरा किया, जबकि बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य वी एन माधव ने दूसरे एक समूह के साथ मौके पर जाकर जांच की। राज्य सरकार ने इसी से जुड़े एक कदम के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी अशोक गजपति राजू को राम तीर्था मंदिर के अध्यक्ष पद से हटा दिया। गजपति राजू पर आरोप लगाया गया कि वो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं और मंदिर की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। धर्मादा मंत्री वी श्रीनिवास ने यहाँ वाईएसआरसी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम की मूर्ति इसलिए विरूपित की गई ताकि राज्य सरकार को अस्थिर किया जा सके। मंदिरों को अपवित्र करने पर विपक्ष ने सरकार की खिंचाई की और इस तरह के मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश की मौजूदा वायरस सरकार मूर्तियों की तोड़फोड़ और अपमान की घटनाओं को लेकर लगातार निशाने पर आ रही है, ये बात बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो वहां टीडीपी की हालत वैसे ही बेहद खराब है। 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 175 में से सिर्फ 23 सीटें ही मिली थी, जबकि वायरस कांग्रेस ने 151 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये विधानसभा चुनाव चंद्रबाबू नायडू के लिए काफी अहम माना जा रहा था। दरअसल लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में चंद्रबाबू नायडू ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन परिणाम के बाद जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया था। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में थे। बता दें कि नायडू की पार्टी ने 2018 में आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। टीडीपी के अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए वहां पर कोई जगह दिखाई ही नहीं देती। हाल ही में देश भर में हुए चुनावों में कांग्रेस का जिस तरह का प्रदर्शन रहा, उसे देखते हुए भी वहां कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत में मजबूती से उभर रही है और जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो आंध्र प्रदेश की हवा भी बीजेपी के पक्ष में ही जाती दिख रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।